इंडियन फादर जो होता है ना, उनकी घर में बिल्कुल ठग लाइफ चलती थी। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मेरा फोन 0% बैटरी पे मैंने चार्ज पे डाला हुआ है, पापा एकदम से मेरा फोन साइड में किया, खुद का डाल के चले गए यार। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन मैंने बोला मैं पापा प्लीज यार वो चार्जर मेरा है, वैसे कहा पता है लेकिन वो सॉकेट मेरा है। अरे पापा घर में कुछ भी बोलते हैं यार। कल पापा के मोबाइल से खेल रहा था, पापा ने मोबाइल पीछे छुपा दिया, मैं पापा मोबाइल बल्लू ले गया ना। पहले ये बताओ भालू अभी तक हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था? क्या पापा हो, मोगली हो, क्या हो आप? भालू ले गया नहीं, भालू बेकू ऐसे मोबाइल ले गया, चार्जर तो यही छोड़ गया हुआ यार। अच्छा उसको भी पता है सॉकेट आपका है। बट आपने देखा लोग बेबीज को कुछ भी बोलते हैं। मेरे को क्रिस्टल के लिए याद है जब मैं 2 साल का बेबी था, राइट? कौन से कॉलेज से? JNU। शर्म आ रही है? तो यार मैं अपने झूले पे लेटा हूँ, 2 साल का मेरा ट्विंकल ट्विंकल ऑन है, घर में पापा की दारू पार्टी चल रही, उनका विस्की का पैक ऑन है, और फिर पापा ने एकदम से पैक मेरी तरफ करके, अभी पापा ना दवाई पी रहे दवाई। और ऐसे बेबी मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था यार, मेरे को लगता था पापा को कितनी भयंकर बीमारी है कि रोज शाम को 4 गिलास दवाई पीनी पड़ती है यार, वो भी मसाला पापड़ के साथ। और कल तो पापा का दवाई पीने के बाद में मेमोरी लॉस हो गया यार, पापा दवाई पीने के बाद में मेरे को ही बोलने लगे, अरे विपुल तू अपना भाई है, विपुल भाई है। यार बेबीज बेचारे सिर्फ 2 साल के होते हैं यार, बेबीज वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? उनको कुछ याद नहीं रहता। टू बी एडल्ट्स वी जस्ट फक अप विद देयर प्लान्स बाय जस्ट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। अपने देखा बेबी बेचारा आराम से क्रॉल करके फ्रिज की तरफ जा रहा होता है, लोग उसको उठा के क्यों रख देते हैं? एंड द बेबी जस्ट लॉस्ट एक्सीलरेटर, मैं क्या कर रहा था यार, ये मेरा GPS किसने चेंज किया यार? एक मैं तो फ्रिज में कुछ मीठा खाने जा रहा था, मैं ड्राइंग रूम की दीवार क्यों चाट रहा हूँ यार? मेन्यू में इतना बड़ा चेंज कैसे गया यार कि सेरेलेक चाटने जा रहा था, मैं नैरोलेक चाट रहा हूँ यार। और आपने देखा ये जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है ना, मम्मी पापा वाली जनरेशन, इनको अगर कोई भी आर्गुमेंट जीतना होता ना, इनकी स्ट्रैटेजी होती आज कल और परसों, ये चीज को खींच देते हैं मतलब। अरे बहू बोल रही है स्लीवलेस पहने को, अरे ऐसे कैसे कंट्रोल में रखो यार, आज स्लीवलेस पहनेगी, कल बैकलेस पहनेगी, परसों टॉपलेस घूमेगी, टॉपलेस घूमेगी। एक तो इनको लगता है कि बहू इनके घर में ना एक्सपोजर के लिए आई हुई है मतलब, कि उसका किंगफिशर कैलेंडर का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसको लगा भी अग्रवाल जी के वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ मैं। बट आपने देखा इंटरनेट पर ना इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, आपने देखा? हाँ मैम, हम इंटरनेट पे किसी भी कंट्री की ले लेते हैं यार, क्योंकि एक तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्री टाइम तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है, तो कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे यार। तो बीच में कुछ तो इंडिया अमेरिका में टेंशन हुई 2 साल पहले, तो हम इंटरनेट पे ये सारे मीम्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, अमेरिका अपनी औकात में रहे, जितना तुम्हारे पास तेल के कुएं नहीं है ना, उससे ज्यादा तेल तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। हम लोग चूतिए, इस सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है। भाई US ने इराक पे अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको थैंक्स गिविंग के पकौड़े तलने थे, ठीक है? कुछ भी मत लिखो जियो यूजर। हम लोग इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले ही नहीं पाते,
एक साल पहले कुछ तो हम इंग्लैंड में वनडे मैच सीरीज खेलने गए, बुरी तरह हारे हम लोग, बहुत ही घटिया खेले सर। लास्ट बॉल पे हमको 122 रन चाहिए थे। और आशीष नेहरा बैटिंग पे था। तो मैच के बाद वहां के इंग्लिश कमेंटेटर ने ट्वीट किया कि इंडियंस वर आउटप्लेड इन द फील्ड टुडे, नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, डिसअपॉइंटिंग। तो उस पे जाके हमारे बंदे कमेंट कर रहे, चुप कर लुटेरे। पहले हमारा कोहिनूर वापस कर। अब बंदे का लोकेशन दिखा रहा है गाजियाबाद। यार तू किस बात का कोहिनूर मांग रहा है यार? नहीं, तुझे कुछ मांगना है तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मांगना यार, अपने काम की चीजें मांगो ना यार। आपको पता है गाजियाबाद में इतनी बिजली जाती है, वहां पे लोग इलेक्ट्रिक गिटार जनरेटर पे बजाते हैं। सच में मैं वहां पे कॉलेज शो करने गया था, वहां पे रॉक बैंड का नाम था इन्वर्टर्स। हमारा कोहिनूर वापस कर रहे यार, एक तो ये इंडिया की पब्लिक ना हमारा कोहिनूर वापस करो तो ऐसे हक से मांगती है जैसे उनका पर्सनल कोहिनूर ले गए थे अंग्रेज। जैसे एक दिन उनकी वाइफ कोहिनूर का पेंडेंट पहन के गाजियाबाद में घूम रही थी, पीछे से बाइक पे दो जेब कतरे आए, लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर। और एकदम से जनरल डायर की नजर आंटी पे पड़ी क्योंकि आंटी ने स्लीवलेस पहनी हुई थी। फिर उन्हें चेंज कीजिए और वो लंदन ही चले गए बाइक पे। और जब ये चोरी हो रही थी तो मोहम्मद जिना साइड में खड़े खड़े रूअफजा पी रहे थे, मतलब उन्होंने आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, उल्टा जिन्ना आंटी के क्लीवेज की तरफ देख रहे थे वो, क्योंकि उनको पार्टीशन पसंद है। How many bikers in the audience? People who drive two wheelers, make some noise all the bikers. Yes. Because I think they are the biggest nuisance on Indian roads. You know. ये मेरा ट्रिक क्वेश्चन था, यू नो, क्योंकि आपने देखा बाइक वाले हमेशा जल्दी में रहते हैं, देयर ऑलवेज इन अ हरी, और ट्रैफिक जैम में हर कोई रुका हुआ है, और ये बाइक वाले साले रेप्टाइल्स की तरह यू यू करके ये जल्दी में कहीं जा रहे हैं। मतलब आई एम लाइक डूड बिलीव मी, अगर आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता तो आज आपके पास गाड़ी होती। जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड यार, बाइक वाले रोड पे इतना हीरो क्यों बनते हैं यार? लाइक डोंट दे रियलाइज दैट सेफ्टी वाइज, साइज वाइज, देर एट द बॉटम ऑफ द व्हीकल फूड चेन, यू नो। बट बाइकर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग यार। मैंने एक बाइक वाले को देखा, वो जाके ट्रक वाले के सामने कट मारा, ट्रक वाले के सामने। इट्स लाइक बकरी जाके शेर को चिढ़ा रही है, तो ले लूंगा, तो ले लूंगा, तो ले लूंगा, समझा, बुरी वाली लूंगा मैं। एंड इवन द शेर इज लाइक, अपनी औकात मेरे बकरी तू। मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे आता हूँ, तू खाना खजाने में आता है। मतलब डिफरेंस दिख रहा है इधर? मैं जंगल का राजा हूं, तू जोमेटो की तवायफ, शर्म कर यहां पे थोड़ी। बट यू नो, आई हैव रियलाइज्ड व्हाई बाइकर्स आर एसोल्स ऑन रोड्स। हाँ, क्योंकि आपने देखा रोड पे बाइक वालों की कोई भी इज्जत नहीं करता यार, स्पेशली ट्रैफिक हवलदार। आपने देखा कभी आप गाड़ी में सिग्नल तोड़ते हो तो हवलदार कितनी इज्जत से बात करता है, गाड़ी रोको, आप जाके गाड़ी रोक दो, वो चल के आपके पास आता है, आप विंडो नीचे करते हो, वो ऐसे की ठंडी हवा ठुल्ले के मुंह पे लगती है, वो भी थोड़ा काम डाउन हो जाता है। इवन इज लाइक, ओ माय गॉड, एमबी प्योर, द फ्रेग्रेंस ऑफ बोमन ईरानी। ऑन द अदर एंड आपने देखा जब बाइक वाले सिग्नल तोड़ते तो ठुल्ला कितना इल्ट्रीट करता है यार। मेरे एक फ्रेंड ने जैसे बाइक पे सिग्नल तोड़ा, चलती हुई बाइक पे ठुल्ले ने उसका कान पकड़ा, लगा साले तेरे। और आपने देखा जब फिर बाइक वाले बाइक रोकते तो ठुल्ला उनसे बात भी नहीं करता यार, बस वो बाइक की चाबी निकाल के चले जाता है। उसको पता है वो गिड़गिड़ाते हुए आएगा पीछे,
लेकिन कुछ बाइकर्स इतने कमीन होते हैं, मेरा जो फ्रेंड है उसने दो चाबियां बनवा रखी है, मतलब खुला एक चाबी लेके जाता है, दूसरी लगा के आगे घूमी घूमी निकल जाता है वो।